हम हिंदुस्तान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम हिंदुस्तान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ लड़ रहे हैं। भाजपा आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने राहुल गांधी का ये 4 सेकंड का वीडियो ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि अगर राहुल गांधी के समर्थक बचकाने नहीं होते तो वे बहुत खतरनाक होते। भाजपा कार्यकर्ता प्रीति गांधी ने भी ये वीडियो क्लिप ट्वीट किया। वहीं भाजपा दिल्ली के कोषाध्यक्ष विष्णु मित्तल, भाजपा महाराष्ट्र, मालधारी सेना गुजरात के अध्यक्ष और भाजपा कार्यकर्ता दिनेश देसाई, आरएसएस स्वयंसेवक रवि रंजन भी ये वीडियो शेयर करने वाले यूजर्स की लिस्ट में शामिल है। तो क्या वाकई में राहुल गांधी ने हिंदुस्तान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ लड़ने की बात कही? इस दावे की असलियत का पता लगाने के लिए ऑल्ट न्यूज ने यूट्यूब पर कीवर्ड सर्च किया। 5 अगस्त को प्रेस को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने ये कहा, जो ऑपोजिशन डेमोक्रेसी में लोकतंत्र में लड़ती है वो इंस्टीट्यूशंस के बल पे लड़ती है। मतलब जो देश का लीगल स्ट्रक्चर होता है, जुडिशियल स्ट्रक्चर होता है, जो देश का इलेक्टोरल स्ट्रक्चर होता है, जो देश की मीडिया होती है, उसके बल पर ऑपोजिशन खड़ी होती है। वो सब जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब के सब सरकार को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने अपने लोग इंस्टीट्यूशंस के अंदर बैठा रखे हैं। हिंदुस्तान का आज हर इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंट नहीं है। हिंदुस्तान का हर इंस्टीट्यूशन आज आरएसएस के कंट्रोल में है। आरएसएस का एक व्यक्ति हर इंस्टीट्यूशन में बैठा है। तो हम एक राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं, हम हिंदुस्तान के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ लड़ रहे हैं। जब हमारी सरकार होती थी इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूट्रल रहता था, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल नहीं करते थे। 2 राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई होती थी, 3 राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई होती है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार का पूरा एक पार्टी के साथ है। फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर उनके साथ है। अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहे उस पर ईडी लगा दी जाती है, सीबीआई लगा दी जाती है, धमकाया जाता है, डराया जाता है। तो फाइनेंशियली मोनोपोली है बीजेपी की, आरएसएस की। इंस्टीट्यूशनली मोनोपोली है, इसीलिए ऑपोजिशन इफेक्टिवली अग्रेसिवली खड़ी हो रही है, बट इम्पैक्ट जो होना चाहिए वो दिख नहीं रहा है। यानी असल में अमित मालवीय समेत भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो क्लिप कर शेयर किया और झूठा दावा किया कि राहुल गांधी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ लड़ने की बात कह रहे हैं।